कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी। हे गाइस, मैं हूं जुबिन नौटियाल और आप मुझे देख रहे हैं क्विंट पे। आई थिंक बॉलीवुड म्यूजिक को डिफाइन करने वाला जो एरा है वो किशोर कुमार और रफ़ी साहब ऑलरेडी एक ऐसा बेस सेट करके गए हैं। अगर एक सॉन्ग देखें तो बड़ी दूर से आए हैं, ये डिफाइन करता है बॉलीवुड को। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप, ये डिफाइन करता है बॉलीवुड को। रहमान साहब की पूरी बॉम्बे की एल्बम डिफाइन करती है बॉलीवुड को। नुसरत साहब का तेरे बिन नहीं जीना मर जाना, जो कच्चे धागे में यूज़ करा गया था गाना, वो डिफाइन करता है बॉलीवुड को। हर वो गाना जो एक इमोशन क्रिएट करता है वो डिफाइन करता है बॉलीवुड को। मैं लकी हूँ कि हम्मा सॉन्ग मुझे रिक्रिएट करने का मौका मिला, दिल क्या करे मुझे रिक्रिएट करने का मौका मिला, पहला नशा मुझे रिक्रिएट करने का मौका मिला, गज़ब का है दिन मुझे रिक्रिएट करने का मौका मिला। आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी। जो मेरे फेवरेट सॉन्ग्स हैं वो किसी तरह कहीं ना कहीं से घूम के आते हैं और मैं बस उन्हें रिक्रिएट कर देता हूँ और आपके दिल तक पहुँच जाते हैं। कंटेम्प्रेरी सॉन्ग में आई डोंट थिंक आई हैव सच म्यूजिक दैट आई वॉन्ट टू सिंग। मे बी आई वुड हैव लव टू सिंग ए दिल है मुश्किल, बट वो फिर मैंने जाकर के MTV अनप्लग पे गा दिया। फिर मुझे एक गाना पसंद था मिलने हैं मुझसे आई, वो भी मैंने MTV अनप्लग पे गा दिया। तो मैं एक बंदा हूँ जो अपनी ख्वाहिशें उसी वक्त पूरी कर लेता हूँ, तो जो गाने मुझे ऐसे लगते हैं वो मैं गा देता हूँ। मेरे लिए संगीत सिर्फ ऑनेस्ट होता है और डिसऑनेस्ट होता है। अगर संगीत ऑनेस्ट है तो वो रिक्रिएशन है, रीमिक्स है या फिर एक ओरिजिनल सॉन्ग है, इट इज ऑनेस्ट। व्हेन इट्स ऑनेस्ट देन इट्स ऑनेस्ट। मैं बावला हूँ तेरा तो जान है ना मेरी, बस प्यार ही है मांगा, किस बात की है देरी, आजा चल तू मेरे साथ यारा चल तू, ये रात कभी ना आवे आवे आवे, अख लड़ जावे सारी रात नींद ना आवे, मैनू बड़ा तड़पावे दिल चैन गई ना पावे पावे पावे। मुझे लगता है हर सिंगर का एक दौर है, जो उस दौर पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी उस तरह के सिंगर उस दौर पे आए और उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, और वो हम लोग को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जाता है कि आप लोग अगले दौर के सिंगर्स हैं, आपको भी एक अच्छा काम करके देना, आपको अच्छे लिरिक्स प्रेजेंट करने, आपको एक अच्छी इमोशन प्रेजेंट करना, एंड उसी पे हैं, उसी रास्ते पे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। जो अभी रिसेंटली मेरे पिछले 3-4 रिलीजेज रहे हैं वो एक गढ़वाली गाने की अडेप्टेशन रही है, नरेंद्र सिंह नेगी जी का वो गाना रहा है ताछुमा, वो हमने एक प्रॉपर्टी के लिए करा इलेक्ट्रोफोक। फिर अभी जो चिट्ठी मेरा गाना है ये एक जौनसारी गाना है खजानदर शर्मा जी का। तो ये कुछ रीजनल सॉन्ग्स हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और मैं हमेशा से चाहता था कि इन गानों को एक बड़े स्टेज पे, बड़े प्लेटफॉर्म पे करूं, और ये मैं चाहता हूं ये एक ऐसी साउंड है जो पूरा वर्ल्ड डिजर्व करता है सुनने की, और ये हमारे उत्तराखंड से आती है, हमारे घर से आती है। अखियों का है ये पानी बेजुबान, दर्द मेरा कह पाए ना, ओ साथी ओ साथी ओ साथी तेरी चिट्ठी पते पे आए ना। मैं एक नेशनल लेवल शूटर हूँ एयर पिस्टल, मैं एक डिस्ट्रिक्ट लेवल एथलीट हूँ, मैंने मिक्स मार्शल आर्ट करी है ब्लैक बेल्ट डैन टू, मैंने MBA करा। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शन जो मैं चूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने इन सब को छोड़ के संगीत को चूज़ करा। आई विल नॉट थ्रो दिस अवे जस्ट बिकॉज आई एम गेटिंग सम ऑफर्स फॉर एक्टिंग। मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों ने ऑफर करा है कि आप एक्ट करें फिल्म में, ये सब चीज़ें, पर संगीत में नाम पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। संगीत में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज शायद मैं इतना बड़ा ना भी होता तभी मैं शायद किसी छोटे से क्लब में बैठ के यही कर रहा हूँ। मैं सोलफुल गाने गाता हूँ तो लोगों को लगता है कि बहुत ही सीधा और मासूम सा बच्चा है, लेकिन I have this other side where I'm very very naughty, I'm very very mischievous. School में मैं one of the most naughtiest kids में जाना चाहता था। जब मैं 12th में था वेलम बॉयज़ में मैं पढ़ाई कर रहा था, उनको हमारी यूनिफॉर्म बदलनी, हमने यूनिफॉर्म चेंज, हमने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करा कि सर यूनिफॉर्म प्लीज़ मत चेंज करिए, पर वो यूनिफॉर्म चेंज होनी थी, वो पता नहीं क्यों हमने ऐसे क्रांतिकारी वाले मोड में ले लिया, और मैं और मेरे 5 दोस्तों ने जाकर के स्कूल के 3 स्टोर तोड़ दिए, उसमें से 500 बच्चों की यूनिफॉर्म्स निकाल करके उसमें आग लगा दी, इतना
बदमाश था मैं, रिस्टिकेट होने वाला था स्कूल से, कैसे हाथ जोड़ के मैंने कहा सर प्लीज एग्जाम देने दो बस। कल रास्ते में गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया, जो सिर्फ मेरा था सिर्फ मेरा, मैंने उसे क्यों खो दिया। हाँ वो आंखें जिन्हें मैं चूमता था बेवजह, प्यार मेरे लिए क्यों उनमें बाकी ना रहा। हम नवा मेरे तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। हे गाइस, दिस इज जुबिन नौटियाल, और अगर क्विंट का ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैसेज करें।